हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसके जरिए हम ये बता सकते हैं कि फीटस का यूट्रस के अंदर क्या स्टेटस है। बिकॉज हम जानते हैं कि नियर टर्म तक फीटस जो है वो और ज़्यादा बल्कियर हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाता है, कम। सो उसके साथ में ही नियर टर्म हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि फीटस की पोजिशन, उसका एटीट्यूड और वेरियस टर्म्स को हम जान सकते हैं। सो यस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लाई, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड पोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाई क्या होता है। सो लाई इज अ रिलेशनशिप और ये दो लॉन्ग एक्सिस के बीच में होता है। और ये रिलेशनशिप कौन से दो लॉन्ग एक्सिस के बीच में होता है, दैट इज फीटल लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस या फिर मदर की स्पाइन के बीच में। सो लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर का जो स्पाइन होता है वो वर्टिकल है, हम जानते हैं। और उसी के साथ में जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस होता है, इसे हम कहाँ से मेजर करते हैं, फंडल रीजन से सर्वाइकल रीजन की ओर, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एक्सिस। सो जो भी लॉन्ग एक्सिस मदर की स्पाइन का या फिर यूट्रस का है, उसके साथ में फीटस का क्या रिलेशन है। अगर फीटस का भी लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ में पैरेलल है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों वर्टिकल होते हैं, तो इस लाई को हम लॉन्जिट्यूडनल लाई बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमनेस्ट लाई होता है। ओके, सो लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर इज फ्रॉम फंडस से लेके सर्विक्स है। और इसी लॉन्ग एक्सिस के साथ में अगर फीटस का लॉन्ग एक्सिस यानी हेड से बटक्स तक अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों समान होते हैं, तो ये लॉन्जिट्यूडनल है। लेकिन अगर यही फीटस का लॉन्ग एक्सिस मदर के लॉन्ग एक्सिस से स्लाइटली टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है 45 डिग्री एंगल पे किसी भी साइड में, तो वो लाई बदल जाता है और ये ऑब्लिक लाई कहलाता है। ओके, बट अगर मदर का जो लॉन्ग एक्सिस है जो कि वर्टिकल होता है, ओके, इस वर्टिकल लाइन के साथ में जब फीटस का लॉन्ग एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाता है, तो ये कौन सा लाई बनाता है, ट्रांसवर्स लाई। ओके, सो दिस इज द रेयर वन, बट द मोस्ट कॉमन लाई जो होता है वो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल। बिकॉज इट इज ईजी कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस है उसकी लंबाई के साथ में फीटस का लॉन्ग एक्सिस इजीली अकोमोडेट हो सकता है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन लाइन। यस, नाउ द नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन। क्या होता है ये कि फीटस की बॉडी पार्ट का कौन सा रीजन यूट्रस के लोअर पोल को ऑक्यूपाई करता है। सो यूट्रस का लोअर पोल होता है इस्थमस और सर्विक्स से मिलकर बना होता है। सो अगर हमें पता है कि जो फंडल एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है बजाय कि लोअर पार्ट, सो इस लार्जर स्पेस को लार्जर पार्ट ऑफ फीटस ही ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज द बटक्स रीजन। सो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के अंदर फीटस का बल्कियर एरिया कौन सा है, बटक्स रीजन, जो कि यूजुअली फंडस में ऑक्यूपाई होता है, और जो लोअर पोल होता है वहाँ पर फीटल का हेड ऑक्यूपाई होता है। ओके, सो द नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज सिफेलिक, जहाँ पे लोअर पोल पे हेड पार्ट क्या होता है, अकोमोडेट होता है। बट देर आर अगेन एबनॉर्मैलिटीज, जिसके अंदर क्या होता है कि बटक्स रीजन कई बार क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। और अगर बटक्स नीचे हैं तो उसे हम कौन सा प्रेजेंटेशन बोलेंगे, ब्रीच या फिर पोडालिक। बट सपोज अगर फीटस का लाइट ट्रांसवर्स है, तो उस कंडीशन में ना तो हेड नीचे है और ना ही बटक्स रीजन नीचे है, तो उस कंडीशन में कौन सा पार्ट होगा जो कि लोअर पोल को ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज शोल्डर। सो प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, शोल्डर। ओके, सो देर आर सिफेलिक प्रेजेंटेशन, पोडालिक और ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर ट्रांसवर्सली अगर अलाइन है तो फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, सिफेलिक, जिसमें हेड पार्ट नीचे लाई डाउन होता है। नाउ नेक्स्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंटेशन के अंदर वो पार्ट होता है जो कि इंटरनल ओस पर ओवरलाइज करता है, यानी जब एग्जामिनर के जरिए पर वजनल एग्जामिनेशन किया जाता है, पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है, तो इन वजनल फिंगर के जरिए सर्वाइकल रीजन से जो पार्ट फेल्ट होता है, जो पार्ट महसूस होता है, वो इंटरनल ओस को लाई करता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग पार्ट। सो सिफेलिक इज द बिग एरिया, सिफेलिक इज द प्रेजेंटेशन, बट सिफेलिक के अंदर भी अलग अलग रीजन्स होते हैं जो कि इजीली इन फिंगर्स के जरिए पल्पेट कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, कितना हेड जो है वो फ्लेक्स हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है
कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा। तो अगर सबसे पहले नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो वर्टेक्स होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हेड कंप्लीटली क्या होता है, फ्लेक्स्ड। जब हेड कंप्लीटली फ्लेक्स होता है तो कौन सा पार्ट इंटरनल ओस को ओवरलाय करता है, दैट इज वर्टेक्स। लेकिन सपोज अगर नेक रीजन स्लाइटली क्या हो चुका है, पार्शियली एक्सटेंडेड, सो पार्शियली एक्सटेंडेड के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग होगा, सेफेलिक के अंदर, ब्रो। एंड सपोज हेड जो है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड है, सो इस कंडीशन में जो ऑक्सीपिटल बैक जो है हेड का, वो बैक ऑफ द बॉडी को टच करेगा, दैट इज द एक्सटेंडेड। सो एक्सटेंशन है तो कौन सा पार्ट ओवरलाई होगा, दैट इज फेस। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे डिपेंड करता है हेड के कि कौन सा पार्ट इंटरनल ओस को लाए करेगा। सो सिफेलिक इज द होल रीजन, लेकिन सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, दैट इज वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। सो दीज आर द प्रेजेंटिंग पार्ट जो कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन पर होते हैं, दैट इज पार्ट ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, पार्ट ऑन प्रेजेंटेशन जो कि इंटरनल ओस पे एग्जामिनिंग फिंगर के जरिए फील किए जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी फीटस की बॉडी पार्ट का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है। सो नॉर्मली हम जानते हैं कि फीटस जो है वो ओवॉइड मास में कन्वर्ट हो जाता है इन लास्ट ट्राइमेस्टर और जस्ट नियर टर्म, और वो इसलिए है क्योंकि यूट्राइन कैविटी का शेप भी क्या हो जाता है, ओवॉइड शेप। सो इस ओवॉइड शेप को ऑक्यूपाई करने के लिए फीटस को भी कंप्लीटली क्या होना पड़ता है, फ्लेक्स। ओके, फीटस जो है वो एक्सटेंडेड मैनर में नहीं रह सकता है, ही और शी मस्ट बी फ्लेक्स, कंप्लीटली फ्लेक्स। और कंप्लीट फ्लेक्शन कैसे होता है, जिसमें फीटस का जो चिन है यानी जो नेक एरिया है और जो चिन एरिया है वो कंप्लीटली चेस्ट को टच करता है, बैक कॉन्वेक्स हो जाती है, लेफ्ट जो है वो नीज पे फ्लेक्स हो जाते हैं, थाइज जो है वो एब्डोमिन की ओर फ्लेक्स हो जाता है, लिम्स भी क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स। सो ऑल टुगेदर जितने भी जॉइंट्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, फ्लेक्स। सो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ बॉडी, जो कि नॉर्मल एटीट्यूड होता है फीटस का, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लेक्शन। ओके, देयर मे बी एक्सटेंशन, बट यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया है कंप्लीट फ्लेक्शन का, जिसमें फीटस जो है वो कंप्लीट ओवॉइड मास के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या चीज होती है, यानी बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी सेफेलिक प्रेजेंटेशन, और इस सेफेलिक पे भी कौन सा बोनी, जो कि रैंडमली सेलेक्ट बोनी एरिया होता है, जो कि मदर के पेल्विस के डिफरेंट एरिया के अंदर रिलेशन में आता है। लाइक सेफेलिक प्रेजेंटेशन की हमने बात की, इस होल सेफेलिक के अंदर जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, ये बोनी फिक्स पॉइंट जो होता है, ये मदर के पेल्विस के अलग अलग एंगल पे कॉन्टैक्ट में आता है। ओके, एट द टाइम ऑफ लेबर, सो दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जो कि मदर के पेल्विस के अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, इट क्रिएट्स रिलेशन विद द मैटरनल पेल्विस। सो इन सेफेलिक हम बात करें, इन वर्टेक्स अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, दैट इज ऑक्सीपिट। लेकिन अगर हम ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रो के अंदर डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रंटल एमिनेंस। ओके, एंड अगर हम फेस की बात करें तो फेस के अंदर डिनोमिनेटर क्या होता है, मेंटम और चिन। सो डिनोमिनेटर एक बोनी फिक्स पॉइंट है जो कि प्रेजेंटिंग पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो कि मदर की पेल्विस पे अलग अलग क्वाड्रेंट्स पे कॉन्टैक्ट में आता है एट द टाइम ऑफ लेबर। और अगर हम ब्रीच की बात करें तो ब्रीच के अंदर बोनी एरिया कौन सा होता है, सैक्रम, जो कि मेटरनल पेल्विस के कॉन्टैक्ट में आता है। एंड अगर हम शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर देखें तो शोल्डर के अंदर एक्रोमियन जो होता है, ये डिफरेंट मेटरनल क्वाड्रेंट्स के कॉन्टैक्ट में आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पोजिशन। सो पोजिशन जो होती है, ये डिनोमिनेटर का रिलेशन होता है ओवर द मेटरनल पेल्विस, जो कि अलग अलग एंगल पे मिल सकता है। लाइक मेटरनल पेल्विस की अगर हम बात करें तो देर इज द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द मेटरनल पेल्विस। ओके, सो कितनी पोजिशंस मेटरनल पेल्विस पे बन सकती हैं, अगर हम सेफेलिक रीजन की बात करें देर विल बी 8 पोजिशन। ओके, सो 8 पोजिशन कैसे बनती है, देर इज राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ मेटरनल पेल्विस,
ओके, एंड उसी के साथ में ऑक्सीपिटल रीजन हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेफ्ट साइड में ही है, वेयर इज इन लेफ्ट में भी अगर वो आगे की ओर है तो उसे एंटीरियरली बोलेंगे, अगर वो ऑक्सीपिटल रीजन पीछे है तो पोस्टीरियरली बोल सकते हैं, और अगर स्लाइटली ट्रांसवर्स रीजन में है तो ट्रांसवर्स कह सकते हैं. सो ऑन ईच साइड देर विल बी ए थ्री पोजिशन, एंटीरियर, ट्रांसवर्स एंड पोस्टीरियर ऑन द आइदर साइड. सो ऑल टुगेदर सिक्स पोजिशन राइट एंड लेफ्ट में मिला के हो रही है, और दो पोजिशन बनती है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर और डायरेक्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर. ओके, सो ऑल टुगेदर ऑक्सीपिट जो कि मोस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, ये मेटरनल पेल्विस पे 8 पोजिशन बनाता है. ओके, सो ये सारे जो पोजिशन है ये 45 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द पोजिशन, दैट इज जिसमें डिनोमिनेटर का मेटरनल पेल्विस के साथ क्या रिलेशन होता है, ये कितने डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने बेसिक वो सारी टर्म्स को डिस्क्राइब किया जिसके जरिए फीटस का यूट्रस के अंदर क्या स्टेटस हो सकता है, इसे हम इन सारी टर्म्स के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं. थैंक यू.